भाई जब तक है लड़के लड़ा है आजादी हमेशा मिलते रहेंगे भाई पेपर क्योंकि ऐसे कह रही है और आगे हमारे साथ ही रहेंगे माशाल्लाह भाई जरा ग्रुप की फोटो ले डायनेमिक पर्सनालिटी है और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है जेन्युइन पर्सन है दोनों फील्ड में हूँ और ख़ास बात यह है कि सुरबहार जो इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा है तो एक टाइम था कि स्टेट दम तोड़ दिया था यानी लोग छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं ट्रैप पे गा रहे हैं तो वो मज़ा नहीं आता ऑडियंस को तो हमने एक नया कदम उठाया लाइव शो किया तो ये सक्सेस हुआ और हमारे ऑडियंस की हिम्मत अफजाई रही और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये हमारे सलाउद्दीन साहब ने जो मेहनत की है उसका सिला है जो आप देख रहे हैं ये शो कामयाब है और हम चाहते हैं कि ये शो को हमेशा कामयाब रखें क्योंकि हमारी कोशिश ये रही है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें हम चाहते हैं कि आप हमारी दुआ आप लोगों की दुआ चाहिए कुछ तो कुछ हम आगे कर सकें थैंक यू वेरी मच ऐसा Thank you.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़े इतवार गांधी भवन में ये शाम सूर बहार के नाम से उन्वान से प्रोग्राम रखा गया है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज़र जनाब मेरे भाई सलाहुद्दीन खान की जानिब से ये सीज़न 2 है। अगस्त में करे थे हम, फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में कर रहे हैं, 29 अक्टूबर को कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट ये है कि दुबई में पहला हैदराबादी इंटरनेशनल आर्टिस्ट सलाहुद्दीन खान थे, जहाँ पर श्रीदेवी, जतिंदर और कई फिल्म आर्टिस्ट वहाँ पर थे। वहाँ पर अपने आवाज़ का जादू यहाँ पर हमारे सलाहुद्दीन खान साहब जगाए थे। हैदराबाद में 84 से यहाँ पर सुरबहार इंटरनेशनल के नाम से यहाँ पर प्रोग्राम शहर हैदराबाद में ऐसे ऑर्गेनाइज़र नंबर वन जो आते हैं, कैसे से कैसा प्रोग्राम रहें दो। नंबर वन आर्टिस्ट सुरबहार इंटरनेशनल सलाहुद्दीन खान की तरफ जानिब इसका एक रिकॉर्ड है इनका प्रोग्राम करने का। आज जो महफिलों में जो ड्रेसेस चल रहे हैं सलाह इन्हीं की जो सब मेहरबानी है, जो आज कई लोगों ने उसको कॉपी किए हैं, टोपियाँ पहना रहे हैं, पासकोटा पहना रहे हैं, सूटा पहना रहे हैं, मगर आपका ने ओन ड्रेसेस है पूरे। तो ये शहर का बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पब्लिक को लाने के लिए तरसते, यहाँ पे इनका पोस्टर गया तो आज थिएटर भर गई अल्हम्दुलिल्लाह। 8 बजे से पब्लिक इंतज़ार में बैठी है यहाँ पर। तो मैं सभी को, आप सभी के माध्यम से, जो जितने भी यहाँ पे मीडिया पार्टनर हैं, मीडिया की जो हमारे भाया हैं, उनकी तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसी ही कामयाबी हमारे सलाहुद्दीन भाई की हमेशा बरकरार रहे और हमारा साथ हमेशा। शाह एहसन शान, साउथ इंडिया किशोर, मैं मज़हर बाजाबीर, हम तीनों एक सुतून है समझो आप। बरसों से हम लोग कर लेते आ रहे हैं, मगर सलाहुद्दीन भाई का नाम अल्लाह ताला ने आसमान पे लिख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गांधी भवन में जो प्रोग्राम चल रहा है ये शाम सुरबहार इंटरनेशनल म्यूजिकल ग्रुप के साथ चल रहा है, सलाहुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और करिश्मा मैडम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन पैमाने पर, बड़े पैमाने पर ये शो होता है और हमेशा करते आते हैं, और ऑडियंस का जो टेस्ट होता है, ऑडियंस को जो पसंद होती है, वो टेस्ट को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उसी तरह का सलेक्शन करते हैं सर। सलाहुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और आप मीडिया पर्सन्स का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से हम सारे लोग दुनिया के हर कोने तक न्यूज़ पहुँचाई जाती है। सभी मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए, खास करके सलाहुद्दीन साहब और करिश्मा मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनकी वजह से बहुत सारे प्रोग्राम सक्सेस होते। सिर्फ मकसद ये है कि सलाहुद्दीन साहब का जो करोके ट्रैक से हटकर जो लाइव प्रोग्राम होता है उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। तो वो ओरिजिनल को कायम रखने के लिए ये प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो प्रोग्राम होगा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा और सभी ऑडियंस से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये प्रोग्राम को सपोर्ट किया, स्पॉन्सर्स ने जिस तरह से इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को भी काफ़ी सपोर्ट। आइए सर, फादर शरीफ से आपको अवार्ड दिया जा रहा है, जनाब रियाज साहब के दोस्त मुबारक से। ऐसे आप सदा जवान रहे, लोग हंसाते रहे, इसमें जगह बनाते रहे। ज्यादा प्रवेश का ताल्लुक है हमारे सीनियर बहुत ज्यादा से एक्टर जो VCR जनता तक चुके हैं और हमारे टीम जनता जनता यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इलेक्शन लाइन में भी हैं आप, एडिटिंग भी बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त आज़ाद खान, आज हम लोग गांधी भवन आए हुए हैं, जो आज बहुत बड़े पैमाने पर इवेंट हो रहा है। यहाँ पर सिंगिंग का शो है सुरबहार के नाम एक शाम बोलकर, जो हमारे सलाहुद्दीन खान साहब ऑर्गेनाइज़र है इसके और इंचार्ज भी है, जो भाई की सरपरस्ती में प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि थिएटर हाउसफुल हो चुकी है और फ्री एंट्री थी, अगर भाई टिकट भी लगाती तो थिएटर फुल हो जाती थी आज। तो भाई हैदराबाद शहर में
20 से 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इवेंट्स करते हुए, शादी, वलीमा, ब्याह, खतना के फूल, सालगिरह, चाहे कोई भी फंक्शन हो, भाई कहने आर्डर आता, आप लोग भी देखिए, भाई को आर्डर दीजिए, सिंगिंग के प्रोग्राम चलाते हैं भाई, ऐसे ये भी शो भी करते हैं, और बहुत खुशी हुई आज प्रोग्राम में आकर के, आज बहुत ज़्यादा पब्लिक क्राउड हुआ है, और मैं तमाम मीडिया पार्टनर का, हमारे न्यूज़ 14 का और न्यूज़ टाइम का और हमारे MH चैनल का और अयान चैनल का और एक न्यूज़ चैनल्स का भी, मैं तमाम मीडिया पार्टनर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त यहाँ पर आकर हमारे सलाजुल खान साहब के, हमारे भाई के शो को कामयाब करे और आपका कीमती वक्त दिए। और आप लोग भी अकेले प्रोग्राम की टाइमिंग दे चुके हैं, जॉइन भाई आना मत भूलिए, और इस चैनल्स को, तमाम चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन मगर आपका दोस्त आज़ाद खान, फिर बाद में ना कहना कि आज़ाद खान तुमने ये कहा नहीं। डबल हिसाब से हमारे ताली की गूंज में अगर अलग ये भी ताली की गूंज होती चाहिए। बहुत अच्छे एंकर है, बहुत अच्छी मदद कीजिए, गुना तालियों के साथ सुबह अपना अवार्ड हासिल करते हुए मैं जो बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये हमारे जरिए आप माशाल्लाह तेलुगु इंडस्ट्री, यूट्यूब और हिंदी इंडस्ट्री में जाते हैं और आगे हमारे साथ ही रहेंगे माशाल्लाह। नीचे जाके दीवार पे ठहर देखते हैं अमिताभ बच्चन की दीवार, हमारे मीडिया पार्टनर से भी आपका इस्तेमाल करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। आप सभी मीडिया के जितने भी आए हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग आप लोग का नाम नहीं लिया,
आप लोग का बहुत बहुत ताउन रहा, आप लोग का बहुत बहुत कोऑपरेशन रहा हमारे साथ। नेक्स्ट मेरा शो इंशाल्लाह जनवरी में मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मार्च या फरवरी में हम एक बड़ा प्लान कर रहे हैं ओपन थिएटर में करने का, तो इंशाल्लाह आप लोग को जब भी अपडेट आ जाएगी उसकी। नहीं नहीं हैदराबाद में करेंगे, ओपन थिएटर में करेंगे, या ना तो खलीफा स्टेडियम में करेंगे हाईकोर्ट के आगे। सबसे सीनियर मेहमान आदर शरीफ साहब, कभी किसी का दिल नहीं तोड़े हैं, हर एक को हंसाए हैं और हर एक के दिल में जगह बनाए हैं। फैन के पीछे जो बिहाइंड जो स्क्रीन जो काम करते हैं हमारे तमाम स्पॉन्सर, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेहमान के जज्बान आदर शरीफ साहब यहां पर हैं और साथ ही साथ फील्ड में हूँ। मेरा पहला शो दुबई में करा था, एक नाम निकॉन के नाम, एक शाम निकॉन के नाम शो करा था। और सेकंड शो हमारा था मोहम्मद अली साहब, जितेंद्र साहब, गोविंदा साहब और असरानी साहब के साथ था, हमारा सर के साथ था। उसके बाद मैं दुबई में कई साल प्रोग्राम करा, उसके बाद हैदराबाद में आया, हैदराबाद में कई एक स्टेज शो कर रहा था, करते करते फिर जो है सो ये फंक्शंस के प्रोग्राम ये वो करे। और ये स्टेज शो हम लोग एक ज़माने से कर रहे हैं, पब्लिक जो है सो आजकल स्टेज शो को भूल गई है, तो इसीलिए जो है सो हम दोबारा ट्राई का ये वो शो चल रहा। लेकिन लाइव शो की बात अलग रहती, स्टेज शो का मज़ा कुछ और रहता, तो स्टेज शो के जो है सो ये करने का हम प्लान कर रहे हैं। हमारा सीज़न टू, ये पहला हम शो करे थे एक शाम सुरबहार के नाम, और ये सेकंड शो हम करे हैं ये आज की शाम, ये शाम सुरबहार के नाम बोल के करें हैं। और आगे मेरे उस्ताद मोहतरम खादर शरीफ साहब, मैं यानी खादर शरीफ 50 साल से फिल्म में हूँ। हो रहा है कई सालों से इस फील्ड में है, वन मैन शो है, लेकिन सभी को लेके काम करते हैं और हर प्रोग्राम सक्सेस करते हैं, और हमारी दुआ यही आगे भी हर प्रोग्राम ऐसे कामयाब करें और बहुत जल्द आपको अगले प्रोग्राम के लिए डेट बताई जाएगी। थैंक यू। हाय।
सलाम नमस्ते गुड इवनिंग सर सतरीकाल। इस वक्त आप सभी गांधी भवन में ठहरे हुए सीजन टू कामयाबी भी किताब चल रहा है आप लोग देख रहे हैं। मैं मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को घर घर पहुँचा रहे हैं और खासकर ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमेशा आपका प्यार और साथ मिला तो इसी तरीके से सलाउद्दीन खान और अच्छे से प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। हमारे जितने आर्टिस्ट हैं सब आर्टिस्ट की जानिब से हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी आवाज़ दिए आप आइए, कामयाबी उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, परवर कुछ नहीं होते, हौसलों से परवाज होती है। हैदराबादी आर्टिस्टों के हौसले बुलंद करने वालों का आपको एंटरटेन करते रहे, आपके दिलों तक पहुंचे रहे। जय हिंद, जय तेलंगाना, अल्लाह हाफिज। चलो खत्म। आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। VCR चलता था जबके हैं और हमारे एक एक जगह भी जगह यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। डायरेक्शन लाइन में भी है यहाँ ताली की गूंज में पेश किया जा रहा है। सीनियर मोस्ट टाइटेड मानवदा प्लीज प्रोफेसर आए अपना अवार्ड हासिल करें। मानवदा हैदराबाद के लिए जवाब खाना भाई इधर से आया। मानवदा मानवदा के लिए भी ताली गूंज होनी चाहिए जोर से। बेहतरीन अंदाज में ये ड्रम बजाते हैं, इनके लिए ताली होनी चाहिए। अलहमदुलिल्लाह भाई आमिर बाबा आइए साहब, महमूद खान साहब के पर्दन आमिर खान साहब ये एक हमारे बॉलीवुड में है एक्टिंग दुनिया में एक आमिर खान हमारे साथ में तबला नवाज बबलू आइए। इसे छोटे से शक्ल में पूरे महाराष्ट्र को अवार्ड दिया जा रहा है। बबलू भाई तालियां प्लीज थोड़ी हिम्मत हो जाए। मेरी ध्यान बजे में बजाय बजे बजवा मेरा भी है आइए साहब। मुन्नू भाई मुन्नू भाई के दस्ते मुबारक से आइए साहब। डिसोजा जी हाँ को पकड़ सकते को पकड़ सकते हैं बॉल बता ले। चलिए आपको देना है गिटारिस्ट भाई ऊपर आइए साउंड इंजीनियर यहाँ पे कूद क्या होगी ऊपर बहुत अच्छी एंकर है बहुत अच्छी मदद कीजिए जोरदार ताली हो सकता। चलिए भाई खाना भाई अरे दे दीजिए यशु भाई को। यशु भाई आइए हमारे साथ आपके यशु भाई अपना अवार्ड हासिल करते हुए मनी जो लाइए रूपाली बिल्कुल सर हाँ बिल्कुल ये आवाज मैडम रोमा मैडम दोनों काफी जमाने से स्टेज के जरिए आप नैना खान जी आ जाइए। यस साहब नैना खान जी को मोमेंटो पेश के लिए जरा ताली की गूंज होनी चाहिए। इधर मैडम करिश्मा खान जी मैं चाहूँगा क्या पाए कामयाब जिंदगी का राज सलाउद्दीन खान जी करिश्मा खान जी हैं तो सलाह हमारे हाजिर शरीफ साहब जोरदार ताली माशाल्लाह वेलकम और बोलो ताली भाई हम सेलिब्रेट अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो
नीचे जाके दीवार पे ठहर गए अमिताभ जी की दीवार और मीडिया पार्टनर से अभी हम इस्तेमाल करने का जुम्मन अदा करेंगे। क्या वो आ रहा ना आइए सर, खादिम शरीफ साहब को अवार्ड दिया जा रहा है जनाब रिया साहब के दोस्तों मुबारक से मैडम ऐसी तारी है लुकैडमी मैडम सौ 84 से फील्ड में हूँ। मेरा पहला शो दुबई में करा था, एक शाम निकॉन के नाम शो करा था। और सेकंड शो हमारा था मोहम्मद अली साहब, जितेंद्र साहब, गोविंदा साहब और असरानी साहब के साथ था, हमारा सर के साथ था। उसके बाद मैं दुबई में कई साल प्रोग्राम करा, उसके बाद हैदराबाद में आया, हैदराबाद में कई एक स्टेज शो कर रहा था, करते करते फिर जो है सो ये फंक्शंस के प्रोग्राम ये वो करे। और ये स्टेज शो हम लोग एक ज़माने से कर रहे हैं, पब्लिक जो है सो आजकल स्टेज शो को भूल गई है, तो इसीलिए जो है सो हम दोबारा ट्राई का ये वो शो चल रहा। लेकिन लाइव शो की बात अलग रहती है, स्टेज शो का मज़ा कुछ और रहता है। तो स्टेज शो के जो है सो ये करने का हम प्लान कर रहे हैं, हमारा ये सीज़न 2। ये पहला हम शो करे थे एक शाम सुरबहार के नाम, और ये सेकंड शो हम करे हैं ये आज की शाम, ये शाम सुरबहार के नाम बोल के करें। और आगे मेरे उस्ताद मोहतरम खादर शरीफ साहब। मैं खादर शरीफ, सत श्री अकाल। इस वक्त आप सभी गांधी भवन में ठहरे हुए, सीज़न 2 कामयाबी के साथ चल रहा है, आप देख रहे हैं। मैं मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को घर घर पहुँचा रहे हैं, और खासकर ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमेशा आपका प्यार और साथ मिला। तो इसी तरीके से सलाउद्दीन खान और अच्छे से प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। हमारे जितने आर्टिस्ट हैं सब आर्टिस्ट की जानिब से हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी आवाज़ दिए आप आइए, कामयाबी उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, परवर कुछ नहीं होती, हौसलों से बर्बाद होती है। हैदराबादी आर्टिस्टों के हौसले बुलंद करने वालों का नाम है सलाउद्दीन खान। और माइक्रोफोन से मैं आपसे बातें करता हूँ, आप रेडियो स्टेज टीवी फिल्म एक्टर एंड कमिश्नर रजा कुरैशी, मेरी को होस्ट नूर मारिया सोद यहाँ पर है। हमारी दिली दुआएं हैं कि हम हमेशा आपको एंटरटेन करते रहे, आपके दिलों तक पहुँचे रहे। जय हिंद, जय तेलंगाना, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त आज़ाद खान। आज हम लोग गांधी भवन आए हुए हैं, जो आज बहुत बड़े पैमाने पर इवेंट हो रहा है। यहाँ पर सिंगिंग का शो है सुरबहार के नाम एक शाम बोलकर, जो हमारे सलाउद्दीन खान साहब ऑर्गेनाइज़र है इसके और इंचार्ज भी है, जो भाई की सरपरस्ती में प्रोग्राम हो रहा है। जैसे कि आप देख चुके हैं कि थिएटर हाउसफुल हो चुकी है और फ्री एंट्री थी, अगर भाई टिकट भी लगाती तो थिएटर फुल हो जाती थी आज। तो भाई हैदराबाद शहर में 20 से 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इवेंट्स करते हुए, शादी, वलीमा, ब्याह, खतना के फूल, सालगिरह, चाहे कोई भी फंक्शन हो, भाई का नहीं आर्डर आता। आप लोग भी देखिए, भाई को आर्डर दीजिए, सिंगिंग के प्रोग्राम्स चलाते हैं भाई, ऐसे ये भी शो भी करते हैं। और बहुत खुशी हुई आज ये प्रोग्राम में आकर के, आज बहुत ज़्यादा पब्लिक क्राउड हुआ है। और मैं तमाम मीडिया पार्टनर का, हमारे न्यूज़ 14 का और न्यूज़ टाइम का और हमारे MH चैनल का और अयान चैनल का और एक न्यूज़ चैनल्स का भी मैं तमाम मीडिया पार्टनर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपना कीमती वक्त यहाँ पर आकर हमारे सलाउद्दीन खान साहब के, हमारे भाई के शो को कामयाब करे और आपका कीमती वक्त दिए। और आप लोग भी अगले प्रोग्राम की टाइमिंग दे चुके हैं, सलाउद्दीन भाई आना मत भूलिए। और इस चैनल्स को, तमाम चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन मगर आपका दोस्त आज़ाद खान। फिर बाद में ना कहना कि आज़ाद खान तुमने ये कहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़े इतवार गांधी भवन में ये शाम सूर बहार के नाम से उन्वान से प्रोग्राम रखा गया है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज़र जनाब मेरे भाई सलाउद्दीन खान की जानिब से ये सीज़न 2 है। अगस्त में करे थे हम, फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर में कर रहे हैं, 29 अक्टूबर को कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट ये है कि जब दुबई में पहला हैदराबादी इंटरनेशनल आर्टिस्ट सलाउद्दीन खान थे, जहाँ पर श्रीदेवी, जतिंदर और कई फिल्म आर्टिस्ट वहाँ पर थे, वहाँ पर
अपने आवाज़ का जादू यहाँ पर हमारे सलाउद्दीन खान साहब जगाए थे। हैदराबाद में 85-84 से यहाँ पर सुरबहार इंटरनेशनल के नाम से यहाँ पर प्रोग्राम शहर हैदराबाद में ऐसे ऑर्गेनाइज़र नंबर वन जो आते हैं, कैसे से कैसा प्रोग्राम रहने दो, नंबर वन आर्टिस्ट सुरबहार इंटरनेशनल सलाउद्दीन खान की तरफ जानी इसका एक रिकॉर्ड है इनका प्रोग्राम करने का। आज जो महफिलों में जो ड्रेसेस चल रहे हैं सलाह इन्हीं की जो मेहरबानी है, जो आज कई लोगों ने उसको कॉपी किए हैं, टोपियाँ भी